इसका नाम है MiG-23। 1000 गज के डलवाने के बाद अब फुर्सत हो गई है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। चलो अच्छा काम हो रहा है, तुम एक दोगे वो तुम्हें 1000 देगा। मैमूल बचा ले भाई। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। सो हे टीएमवी फैमिली, कैसे हो आप सभी। तो आज हम जा रहे हैं कैंट में, एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है 7 एयरफोर्स। तो मैं आया हूँ नेमुल को यहाँ पिक करने। दिख भी तो ना ले। आ वाह वाह वाह। कहाँ चल रहा है पता ही नहीं। पता है यार आज बहुत ज़्यादा गर्म लग रही, तो रोजे से भी हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा। उनका दिमाग नहीं काम कर रहा, मेरी बाइक नहीं काम कर रही। पता है खींच के लाए बाइक, तो सोच लो कितनी मेहनत लगी होगी। अभी चलते हैं पेट्रोल डलवाने। पैसे रखे हो नहीं रखे हैं? ठीक है तो चलो व्लॉग को यहीं पे शुरू करते। चलो अच्छा काम हो रहा है, तुम एक दोगे वो तुम्हें 1000 देगा। नहीं काका, सूखा पड़ गया। चलो पेट्रोल पंप सूखा है। तो भाई साहब पेट्रोल पंप आए थे, बता रहे पेट्रोल खत्म हो गया। तो महंगी गाड़ी है मेरी, नहीं डलेगा। डलवाना सिर्फ 50 रुपए का पेट्रोल है भाई। अब जाते हैं दूसरे पेट्रोल पंप। आज मेरे हिसाब से 38 डिग्री सेल्सियस होगा भाई। हम लोग आ गए दूसरे पेट्रोल पंप और अब डलवाते पेट्रोल। बड़ी लंबी भीड़ लगी, फिर बट रहा है क्या? हो मेरे बालंग खाने दाद चला वे जीप। 1000 डलवा रहे ना? 1000 का तेल डलवा रहे हैं। बहुत जल्दी से डल गया 1000 का तेल यार। 1000 का तेल डलवाने के बाद अब फुर्सत हो गई है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। 15-20 दिन की तो फुर्सत हो गई है। 15-20 दिन की आराम से फुर्सत हो गई है। 95 का तुम्हारे देती है आराम। खतरनाक मोड़, ऐसे बोलते अंधा मोड़। यहाँ पे हॉर्न मारना ही पड़ता, रुको नहीं बस। भाई साहब ये एयरफोर्स हॉस्पिटल का बैक साइड है, ये देखो आप। ये बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये। एक बात है, आर्मी वाले एरिया में काफी साफ सफाई रहती है। साफ सफाई बहुत ज्यादा साफ सफाई, तो कहनी पड़ेगी। देख रहे हो मतलब रोडे देखो यहाँ की, और अपने घर के पास की रोड। ऐसा लगता है कि मैं ट्रेन एरिया में आ गया। नहीं उबड़ खाबड़। अबे भैया तुम यहाँ पे आए क्या करने हो? अरे पापा का इसमें चेकअप चलता रहता है ना, रेगुलर चेकअप। अच्छा, मतलब उनको कभी दिक्कत? बेटा तुमसे ना हो पाएगा, दिक्कत ना हो। या फिर कभी नहीं होता है कि हल्की फुल्की परेशानी होती है, कभी बीपी हाई लो हो जाता है, यहाँ पे आते रेगुलर। तो हम चले कि बाहर खड़े रहे? अरे नहीं तो पास, ये देखो हम पास लाए। 1 person 1 allowed। तो हम बाहर खड़े रहे? हाँ देखते रहो, बाकी हम देख के आ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम फोन कर देंगे। मैमूल बचा ले भाई। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। टाटा बाय बाय। सेवन ईयर फोर्स हॉस्पिटल भाई, हम यहाँ बैठ के क्या करें? लोगों को गिन रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मुन बैठ के वीडियो बनाए, क्योंकि ना यहाँ पे सिर्फ एयरफोर्स वाले लोग अलाउ, जिनके पास कार्ड है, जो भी आर्मी ने आपको दिखाया। मेरा हम नहीं जा सकते। जो भी कहो यहाँ पे साफ सफाई बहुत है, बहुत ज़्यादा साफ सफाई है। मतलब देख रहे हो रोड में एक पत्ता नहीं दिख रहा आपको, इतनी साफ सफाई यहाँ पे। भाई यहाँ पे वीडियो बनाना सख्त बनाना। मेरे सामने देखो आर्मी वाला खड़ा है बंदूक लेके। देखो भाई साहब यहाँ पे वीडियो बनाना सख्त मना है। अब आमिर अंदर वीडियो बना रहा होगा कि नहीं बना रहा होगा, हमें तो लग रहा है कि नहीं बना रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बना रहे हैं तो हमें बड़ा डर सा लग रहा है कि कोई चिल्ला ना दे। आमिर ने हमसे पहले ही कहा था कि भाई वीडियो कोशिश करना कम बनाना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना अलाउ नहीं वीडियो बनाना। कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते हैं।
आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। फ़ोन मिला रहे हैं दो बार तो कह रहा बस पाँच मिनट, बस पाँच मिनट, आ रहे हैं आ रहे हैं। भाई साहब एक खुशखबरी सामने से आमिर आ रहा है, आओ भैया। तुमने तो आज फंसा ही दिया था हमें। अच्छा ये बताओ सबसे पहले तुमने अंदर वीडियो बनाया कि नहीं बनाया? अबे वीडियो मतलब थोड़ा सा बना ले, चोरी छुपे बना, मतलब पता मना है। हाँ वीडियो बनाना तो मना है, हमें भी डर लग रहा था यहाँ बनाने में। आओ दिखा दे चाहे तो तुम्हें, यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, हर चीज़ प्रोहिबिटेड है, लिखा भी है। हाँ स्मोकिंग प्रोहिबिटेड, ड्रोन प्रोहिबिटेड, वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड, सब प्रोहिबिटेड। मगर हम लोग कानपुर वाले जुगाड़ लगा ही लेते। हाँ चलो यहाँ से निकल लो ना, कोई जुगाड़ लगा देगा। तो गाइस मुझे वहाँ जाना है, वो सामने मेडिकल ओपीडी है, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, यहाँ पे जाना है मुझे। बाकी कुछ ऐसा है हॉस्पिटल, ऐसा है ना यहाँ पे कि वीडियोस वगैरह यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। ये यहाँ पे खड़ा है प्लेन, एक्चुअली ये डमी है, ओरिजिनल नहीं है। इसका नाम है MiG-23। MiG-23 BN विजय। ये आ गए गेट पे। तो भाई साहब ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हाँ अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। भाई रोजे में इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, भाई साहब सपोर्ट जरूर करना और हाँ लाइक जरूर करना। चलो ये बता दो एड्रेस, एड्रेस 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 क्या पड़ता है, हमें ध्यान नहीं है। कैंट में 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल पूछा है ना। हाँ कैंट में आ जाओ, 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल पूछ लो, डायरेक्ट आप आ जाओगे। कैंट ही बोलना क्योंकि कैंट ही में अंदर है बिल्कुल बीच में। चलो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड। कानपुर में एक ही है बस, कानपुर में एक ही है, एक ही यहाँ तक लखनऊ में भी नहीं है एयरफोर्स का, वहाँ कमांड है मिलिट्री का। देख लो भाई कानपुर में एक है, और भी हमारे घर के पास में ही है, बस 3-4 किलोमीटर दूर है। तो हम लोगों को तो सही है, वरना बहुत से लोग तो आते हैं फतेहपुर कोई इलाहाबाद कोई कहीं से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी जो बाहर नहीं मिलती, यहाँ तक लखनऊ में भी नहीं है कमांड हॉस्पिटल। तो भाई साहब ये होता है सरकारी होने का फायदा। चलो फिर ब्लॉग को एंड करते हैं।